हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप स्मज प्रूफ काजल कैसे लगा सकते हैं। गर्मियाँ हैं, गर्मियों में क्या होता है कि हम पसीना आता है और सारा काजल बह जाता है। आप कोई भी ब्रांड ले लीजिए, महंगा से महंगा काजल ले लीजिए, वो स्मज हो ही जाता है। और मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जिनकी आँखें, किन्हीं की आँखें थोड़ी वेट होती हैं, तो उनकी आँखों में कोई भी काजल नहीं टिकता। तो मैं यहाँ पे आपको छोटी सी ट्रिक्स एंड टिप्स दूँगी जिससे कि आप अपना काजल स्मज प्रूफ बना सकते हैं। कोई भी काजल आप लगाइए, अगर आप ये ट्रिक्स एंड टिप्स यूज़ करते हैं तो आपका काजल स्मज प्रूफ रहेगा पूरे दिन। नॉट पूरे दिन बट 5-6 घंटे तो चलेगा ही चलेगा, जितने टाइम आप ऑफिस या कॉलेज जाते हैं उस टाइम पे। और अगर आजकल आप घर से काम कर रहे हैं बट आपकी बहुत सारी ऑनलाइन मीटिंग्स होती हैं, वीडियो मीटिंग्स होती हैं, सो उसमें भी ये स्टे करेगा 5-6 घंटे आराम से। सो विदाउट एनी फर्दर डिले वी विल स्टार्ट द वीडियो। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने ये स्वेट प्रूफ मेकअप का भी वीडियो बनाया है जो कि आप देख सकते हैं मेरे चेहरे पे। अगर आपको ये लुक देखना है कि मैंने कैसे क्रिएट किया है, तो मैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ पे जाके आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वहाँ पर भी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना काजल वाला पार्ट। सो सबसे पहले आप कोई भी काजल ले लीजिए। यहाँ पे मैं नाइका का आई एम स्मोकी काजल यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी काजल यूज़ कर सकते हैं, जो भी काजल आपके पास अवेलेबल है उसको, और आपको इसे क्रिएट करना है। अब मैं आपको बताऊँगी आपको कैसे काजल लगाना है। बोल्ड काजल, लाइक जो जिन किन्हीं किन्हीं लड़कियों को थिक काजल लगाना अच्छा लगता है, तो उनके लिए ये है कि उसको कैसे स्मज प्रूफ रख सकते हैं। तो आज हम बोल्ड काजल लगाएंगे, ओके? सो आप देखिए ध्यान से कि मैं कैसे लगा रही हूँ। सबसे पहले आपको धीरे धीरे बिल्ड करना है अपने काजल को, आउटर से इनर तक लेके जाना है, इनर से आउटर तक नहीं, आउटर से इनर तक। पहले अपने वाटर लाइन पे लगा लीजिए। तरीके से फिर धीरे धीरे आप इसको बिल्ड करना शुरू कीजिए नीचे से। कभी आप लोगों ने नोटिस किया काजल लगाते वक्त हम लोग का मुंह कैसे बनता है? धीरे धीरे आप इसको नीचे लेके जाइए, बिल्कुल धीरे धीरे करना है ताकि आप एक्स्ट्रा प्रोडक्ट अपने आँखों पे ना लगाएं। सो किन्हीं किन्हीं लड़कियों को नीचे भी थिक काजल अच्छा लगता है और आईलाइनर पे भी थिक काजल अच्छा लगता है, सो हम वो दोनों करेंगे। सो यू कैन सी मैंने काजल अप्लाई कर लिया है, बहुत बोल्ड है। सो उन लड़कियों के लिए है जिनको अच्छा लगता है, और जिन लड़कियों को इतना थिक काजल नहीं पसंद है तो भी वो ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं पतले काजल पे भी। सो ट्रिक दोनों के लिए सेम ही रहेगी। अब मैं आईलाइनर लगाऊंगी इसी काजल से, थिक काजल, ज़्यादा थिक नहीं बट हाँ नॉर्मल थिक। इसको मैं इस तरह से आपको लगाना है बाहर से अंदर की तरफ। यू कैन सी
अब आपको ट्रिक क्या यूज़ करनी है, मैं यहाँ पे वाइट टोन पाउडर ले रही हूँ, आप कोई भी टैल्कम पाउडर यूज़ कर सकते हैं। यस, सो आपको ये लेना है। आपको याद होगा शायद बचपन में भी, जब हम बच्चे होते हैं या जो हमारी मम्मियाँ होती हैं वो छोटे बच्चों को काजल लगाती थी भर भर के, उसके ऊपर पाउडर लगा देती थी, तो वही ट्रिक हमें यूज़ करनी है। वो बहुत ही पुरानी ट्रिक है बट वही यूज़फुल ट्रिक है, उससे काजल सही में स्मज नहीं होता है। सो हम पहले थोड़ा सा, कोई भी टैल्कम पाउडर आप ले लीजिए, मेरे पास वाइट टोन पाउडर था तो आप कोई भी टैल्कम पाउडर ले सकते हैं। सो आई एम यूजिंग इट, मैं अपने हाथ पे थोड़ा सा ले लूँगी इस तरह से, और कोई भी आप फ्लैट ब्रश ले लीजिए स्मॉल, जैसे कि मैंने लिया है, उसको ब्रश में लगा के अब जहाँ जहाँ आपने काजल अप्लाई किया है वहाँ वहाँ पे इसको अप्लाई कर लीजिए। डोंट वरी, आपको लग रहा होगा इसका कलर थोड़ा डल हो जाएगा, उसके बाद भी क्या स्टेप करना है वो मैं आपको बताऊंगी। मैंने इस मेकअप लुक में पहले ही मस्कारा लगा लिया था, बट आप काजल लगाने के बाद ही मस्कारा लगाइए, वरना मस्कारा पूरा रून हो जाता है। ये करने के बाद आपको इसी स्मॉल ब्रश का यूज़ करना है। आप कोई भी आई शेडो पैलेट ले सकते हैं, मैं यहाँ पे अपना आईब्रो पैलेट ही यूज़ कर रही हूँ जिसमें डार्क ब्लैक कलर भी है। सो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसी फ्लैट ब्रश से इस डार्क ब्लैक कलर को अपने जहाँ जहाँ आपने काजल अप्लाई किया है उस पर इसको डैप करना है, डैप करना है, स्मज नहीं करना है। इस तरीके से इसी तरह से आपको ऊपर भी इसको डैप करना है। तो आप देख रहे थे जो टैल्कम पाउडर से इसका कलर डल हो गया था, अब इसी आई शेडो की वजह से, ब्लैक आई शेडो की वजह से इसका कलर फिर से बिल्कुल सही हो गया है। सो जो एक्स्ट्रा फॉल आउट होगा उसको आप किसी ब्रश की हेल्प से काट लीजिए, उसके बाद आप मस्कारा अप्लाई कर लीजिए फिर से, क्योंकि मैं फिर से कर रही हूँ बट आप एक बार ही करना। सो गाइज़, मैंने दोनों आँखों में उस तरह से काजल लगा लिया है, यू कैन सी, और मेरे पे थिक काजल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं काजल इतना यूज़ नहीं करती हूँ। करती भी हूँ तो बहुत थिन लाइन यूज़ करती हूँ वाटर लाइन पे, बट आप लोगों के लिए मैंने ये लुक क्रिएट किया है, लाइक आप लोगों को बताने के लिए कि आप कैसे अपना काजल स्मज प्रूफ बना सकते हैं। कोई भी काजल, उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपको कोई बहुत महंगा काजल लेने की ज़रूरत है जो क्लेम करते हैं कि वो स्मज प्रूफ हैं, बट कोई भी काजल स्मज प्रूफ नहीं होता। अगर आपको पसीना आ रहा है, आपकी स्किन ऑयली है या आपकी आँखें नेचुरली वेट हैं तो वो स्मज हो ही जाएगा। सो आप ये यूज़ कर सकते हैं ट्रिक, जो चीज़ नेचुरल है उसको आप ज़्यादा देर तक रोक नहीं सकते, बट हाँ कुछ घंटों के लिए आप इसको स्टे कर सकते हो, जो नॉर्मली आपके काजल स्टे नहीं हो पाते आँखों में। सो आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो, आप इसको ट्राई ज़रूर करना, और अगर ये काम करता है आप पर सो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताना, आई वुड लव टू हियर दैट। सो अगर आपकी कोई और सजेशन है मेरे लिए, या आप कुछ और देखना चाहते हैं, कोई और मेकअप लुक देखना चाहते हैं, या फिर किसी प्रोडक्ट पे रिव्यू चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा, मैं आपके लिए ज़रूर करूँगी। सो टिल दैट, बाय गर्ल्स।